वही राधा नाम है जिस नाम के आश्रित हमारे श्याम सुंदर रहते हैं। आप सच मानिएगा, ब्रज में जाके आप पूछे ब्रज के संतों से, बोले आप क्या कर रहे हो, बोले हम प्रभु के आश्रित बैठे हैं, प्रभु के नाम के सहारे बैठे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। लेकिन उन भक्तों से यह पूछने के बाद यह भी पूछ लेना कि जिस कृष्ण का आप नाम जप रहे वो कृष्ण भी क्या करते, तो वो कहेंगे श्री जी के चरणों में बैठकर श्री राधा नाम का आश्रय लेकर राधे राधे जप रहे। क्यों? बोले हमें सुख मिलता है प्रभु के चरणों में बैठ करके, पर प्रभु को सुख मिलता है श्री जी के चरणों में बैठ करके, राधा नाम का आश्रय लेकर के। इसलिए क्या करें, बोले हमें भी थोड़ा आनंद में, थोड़ा भाव से जब राधा नाम ले तो भाव यही कि हम किशोरी जी को पुकार लगा रहे, और जब पुकार लगा रहे, जब पुकार लगाओगे तो किशोरी जी सुनेंगे। तो इसलिए थोड़ा भाव से आनंद में आप कहे, क्या बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलना पड़ेगा। कथा की ओर हम सभी चले। श्रीमद् भागवत महापुराण, सर्वप्रथम भगवान को वंदन प्रणाम आदि करके उसके बाद में बड़ा सुंदर भाव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सब पर करुणा करने वाले, सब पर कृपा करने वाले प्रभु को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले महाराज ये आनंद क्या है? जिस आनंद को पाने के लिए व्यक्ति संसार में आता है, एक बात बताइए मैया जी, आप संसार में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, इस संसार रूपी सागर में आप आए हैं, सच बताइएगा किसके लिए आए हैं? बोले हमें इस संसार में जाकर के सच्चा आनंद मिल जाए, असीमित आनंद हमें मिल जाए। व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में असीमित आनंद आ जाए। असीमित आनंद माने बोले जो सदा सदा के लिए बना रहे, जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी खत्म ना हो, ऐसा असीमित आनंद। व्यक्ति संसार में आता है, वो चाहे कितनी भी संसार में भाग दौड़ कर ले, लेकिन अंत में व्यक्ति को चाहिए सुख ही, सच्चा सुख। व्यक्ति चाहता ही आनंद है। सच बताइएगा, आप इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोले हमें थोड़ा सा आनंद मिल जाए, हमारे जीवन में सच्चा आनंद आ जाए, इसलिए। लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइएगा, जिस आनंद को पाने के लिए आप आनंद के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो असीमित आनंद आपके जीवन में आपको प्राप्त हो गया, हुआ नहीं? आपको लगता है कि हमारे जीवन में जो वो सुख है, जिसमें आप लिमिट, आप जिसमें मग्न है, जिसमें लीन हो गए हैं, वो सुख भी पल भर का सुख है। पल भर का सुख जीवन में आता है, चला जाता है, फिर जीवन में दुख आ जाता है। लेकिन व्यक्ति को पल भर का सुख नहीं चाहिए, पल भर का आनंद नहीं चाहिए। कौन सा आनंद चाहिए? जो सदा सदा के लिए बना रहे, वो आनंद चाहिए। लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, जबकि प्रयास बहुत कर चुका है व्यक्ति। लेकिन सच बताइएगा,
अहिम यक्षतारणी यतिम आनंद वाद्यस्तता। इस संसार में आप आए तो हो आनंद के लिए, लेकिन आनंद आज तक आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला कभी विचार किया? कभी सोचा कि हमें आनंद क्यों नहीं मिला अब तक? बोले आनंद इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप आनंद को वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर है ही नहीं, और जहां आनंद है नहीं वहां जाकर के आप आनंद को खोजो तो भैया वहां आनंद तो मिलने वाला नहीं है। अब निहारिए, दर्शन कीजिए। बोले महाराज यह जो आनंद है, आनंद संसार के साधनों में नहीं जहां पर व्यक्ति ढूंढ रहा है, आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, सोना चांदी में नहीं है। अगर चाहते हो कि आपको सच्चा आनंद मिल जाए, आश्रित आनंद मिल जाए, तो उसके लिए संसार के साधनों को पाने की आवश्यकता नहीं है, संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें? बोले महाराज बस एक काम करो, प्रभु की शरण में आ जाओ और प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के प्रभु की शरण में रहो, फिर देखो क्या होगा। बोले अहेम यतीक्षणतामं सुखम अहेम अदिताम, वो सुख मिल जाएगा जो सुख आज तक आपको धन संपत्ति में नहीं मिला है, वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिल जाएगा। कब? जब शरण में आ जाओगे तब। ये जो संसार के विषय भोगों में आप आनंद को खोज रहे हो, ये आपको कुछ देर के लिए सुख दे भी देंगे लेकिन बाद में आपको कष्ट ही देंगे। लेकिन भगवान की शरण में आ जाओ, जीवन भी आनंदमय बन जाएगा, जीवन कृतार्थ तो हो जाएगा। व्यक्ति खूब संसार में मग्न रहता है, पूछे क्यों? तो बोले महाराज आनंद चाहिए। लेकिन सच कहे मैया जी, ये संसार जो है ना, जिसमें आप आनंद की चाह लेकर बैठे हैं, सुख की चाह बैठे हैं लेके, इस संसार का नाम ही दुखालय है। विद्यालय में विद्या मिलती है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, तो संसार का नाम ही पहले से दुखालय है। और दुखालय रूपी संसार में आकर के आप सुख को ढूंढ रहे तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि मिलने ही नहीं वाला ना। इसीलिए सच बताइएगा, आज तक आप संसार के लिए सब कुछ करते आए, मिल गया सुख, मिल गया आनंद? नहीं। फिर भी कोई ना कोई कमी है जीवन में, फिर भी अभी ऐसा लगता है कि हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अभी जीवन में कृष्ण रूपी आनंद चाहिए। जिस दिन वो मिल गया उस दिन जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा? प्रभु की शरण में आना पड़ेगा, इन संसार के विषय भोगों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार के विषय भोग प्रारंभ में सुख देते पर अंत में कष्टदायी हो जाते हैं। ठीक कैसे? बोले महाराज जैसे एक व्यक्ति है, वो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है। अच्छा, गुटके का जो पैकेट होता है, पाउच होता है, उसके बाहर भी लिखा रहता है पहले कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना? लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करेगा? खाएगा। फिर भी व्यक्ति जानता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जानबूझकर खाएगा। अब उससे कोई पूछे भैया तंबाकू गुटखा क्यों खाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा? वो कहेगा हमें इसे खाने में सुख मिलता है। क्यों मैया जी? हाँ जी कि ना जी?
क्या कहेगा? बोले सुख मिलता है इसलिए हम खाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि आपको गुटखा खाने में सुख मिलता है। कुछ दिन बाद गुटखा खाने से ही पता चलता है कि महाराज इनको कैंसर हो गया या इनकी आंतें गल गई, कुछ भी रोग हो जाए। बताओ, जो व्यक्ति कह रहा था कि हमें गुटखा खाने में आनंद मिलता है, वो गुटखा कुछ दिनों के बाद उसके दुख का कारण बन गया कि नहीं बना? क्यों मैया जी, बना कि नहीं बना? अच्छा एक बात बताओ, आप मौन धारण तो नहीं करके आए? नहीं, नेक हाँ देवी जी, ना देवी जी, कुछ तो महाराज बोल लिया करो। वो गुटका उसके कष्ट का कारण बन गया, उसके दुख का कारण बन गया, जिसमें वो सुख को ढूंढ रहा था। कहने का भाव क्या है, संसार के जो व्यक्ति है ना, संसार के साधनों को जो पकड़ के बैठे हैं, ये भी ऐसे ही है। इनमें हम सुख ढूंढते हैं पर है नहीं, अंत में इन्हीं के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। ये जानते हुए भी व्यक्ति फिर भी पता नहीं क्यों कृष्ण की शरण में नहीं जाना चाहता, पता नहीं क्यों कृष्ण से विमुख होके बैठा है। लेकिन अगर चाहते हो जीवन को आनंदमय बनाना, जीवन को सुखमय बनाना, तो देरी मत करो, तुरंत प्रभु की शरण में आकर के प्रभु की शरण को पकड़ लो। क्या होगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन जीते जी धन्य हो जाएगा। इसीलिए भगवान आनंद स्वरूप है, और ये आनंद जिसे मिला है उसका जीवन वास्तव में ही आनंद से भर गया है, परिपूर्ण आनंद। लेकिन अब निहारी यज्ञतामम येन केक्षताम वारणम अहिम वांदस्ततम यतम सोन कारवारक्षलतम नेन दास्ततम बाद्यातम। नेमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज आए हैं, और सूत जी महाराज जब आए तो शौनकादिक ऋषियों ने उनका खूब स्वागत किया है, और सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम आदि करके उनसे निवेदन किया है। और देखो प्रश्न किया, उनसे प्रार्थना करी, और प्रार्थना भी क्या करी, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूतक्षाही कथा सारम मम कृण रसायनम। आदरणीय श्री सूत जी महाराज से सोनक जी कह रहे हैं कि हे गुरुवर, कृपा कीजिए और हमें कृपा करके हमें भगवान की कोई सुंदर गाथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी गाथा हमें सुनाइए जिससे व्यक्ति का जो ये अंतःकरण है ना, जो इस जन्म से नहीं जन्म जन्म से इस मन में अंधकार भरा हुआ है, इस मन में भरा हुआ अंधकार दूर हो जाए, ऐसी कथा हमको सुनाइए। मन पवित्र हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, ऐसी हमको कथा सुनाइए। और महाराज ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कृपा कीजिए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों पर बड़े प्रसन्न हो गए। और निहारिए शौनक जी महाराज ने क्या कहा है, अंधकार दूर हो जाए, कहाँ का, हृदय का, मन का। एक बात बताइए मैया जी, सच बताइएगा, आपके हृदय में
क्या अंधकार नहीं भरा हुआ है? क्या आपके मन में अज्ञान रूपी अंधकार नहीं भरा हुआ है? बहुत भरा हुआ है, और इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का। इस जन्म का हो तो बात एक अलग है कि हमारा थोड़ा प्रयास करके दूर कर दिया जाए, लेकिन जन्म जन्म का अंधकार भरा हुआ है। और हमारे संत जन कहते हैं कि शरीर के बाहर का जो अंधकार है ना, वो तो सूर्य देव प्रकट होकर के दूर कर देंगे। अभी अंधकार हो रहा है, सुबह सूर्य देव प्रकट हो गए, ये अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन जो मन का अंधकार है, ये कैसे दूर हो? बाहर वाला अंधकार जो है उसकी चिंता मत कीजिए, जो मन में अंधकार भरा हुआ है उसे दूर करने की चिंता कीजिए। लेकिन वो दूर कैसे होगा? बोले महाराज, घर में अंधेरा हो तो घर में अंधेरा हो लाइट चली जाए। अब बल्ब तो आप जला नहीं सकते, लाइट चली गई है। लेकिन अब महाराज आपके घर के भीतर पूरा अंधकार है, क्योंकि बिजली चली गई, लाइट चली गई। लेकिन क्या करना है? अगर चाहते हो वो अंधकार दूर हो जाए, वो अंधेरा दूर हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीपक मोमबत्ती कुछ तो जलानी पड़ेगी। और जब आप दीपक जलाओगे तो क्या होगा मैया जी? दीपक जला के जब आप रख दोगे तो आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा कुछ? जो घर में अंधकार हो रखा था वो थोड़ा दूर होगा कि नहीं होगा? किसके कारण? दीपक जला देने के कारण। आपके घर के कमरे के भीतर आपके पतिदेव सोफे पर बैठे और लाइट चली जाए, तो सोफे पर पतिदेव बैठे दिखेंगे अंधेरे में? नहीं, नजर आएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोफे पर बैठे आपके पतिदेव आपको नजर आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दीपक तो जलाना पड़ेगा, थोड़ा प्रकाश तो करना पड़ेगा। या तो मोमबत्ती जला दो या दीपक जला दो। और जब दीपक जलाओगे कक्ष में, कमरे में, तो सोफे पर बैठे हुए पतिदेव नजर भी आ जाएंगे, दिख जाएंगे। अंधकार के कारण नजर नहीं आ रहे थे, पर प्रकाश किया, दिख गए, नजर आ गए। कहने का भाव सीधा सा है, ये जो मन है ना, इस मन के भीतर अभी तक हमें प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, जबकि प्रभु वास का करते भक्त के हृदय में, भक्त के मन में। पर अभी तक वो दिखे क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मन में बहुत अंधकार है ना, अंधेरा है ना, इसीलिए। लेकिन जिस दिन आप अपने हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रकट कर देंगे, तो महाराज उस दिन क्या होगा? बोले अंधकार दूर होगा, और भक्ति का प्रकाश जब होगा तो महाराज उस भक्ति के प्रकाश के कारण प्रभु का दर्शन भी आपको आपके हृदय में हो जाएगा, आपके अंतःकरण में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है भक्ति का प्रकाश प्रकट किया जाए, प्रेम का प्रकाश प्रकट किया जाए। हमें कबीरदास जी के जीवन का एक भाव याद आ रहा है। एक बार कबीरदास जी महाराज अपने शिष्यों के संग में घूमने के लिए चले कहीं। तो जब कहीं घूमने जा रहे थे, इतनी देर में ही भयंकर आंधी आ गई, तूफान आ गया। और महाराज जब आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान तो सबको उड़ा के दूर फेंके। लेकिन महाराज उस समय लोग कह रहे, अरे भागो 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 भागो, सब भागते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कबीरदास जी के शिष्य थे, उन्होंने भी कहा एक दूसरे को, भैया भैया जल्दी भागो, देखो कितनी भयंकर आंधी आई, कितनी भयंकर तूफान आया, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन शिष्यों ने जब देखा, गुरुजी तो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो वहीं खड़े हैं कि स्थान पे, गुरुजी तो हिल ही नहीं रहे हैं, एक ही स्थान पर खड़े हुए बस मुस्कुराए जा रहे आंधी तूफान को देख करके। लेकिन शिष्यों ने अपने आप की रक्षा के लिए तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए आश्रम में आ गए।
आंधी तूफान जब शांत हुआ तब कबीरदास जी महाराज फिर अपने आश्रम में आए। कबीरदास जी के शिष्यों ने कहा, गुरु जी हम आपसे एक बात कहना चाहते, हम आपसे एक बात पूछना चाहते। कबीरदास जी बोले, पूछो। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आंधी जब आई, जब तूफान आया तो सब व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए अपने घरों की ओर भाग रहे थे, सब अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि आंधी तूफान तो जो भी वस्तु आ जाए, जो भी प्राणी आ जाए, दूर उठा के फेंक दे उसको, तो सब इधर उधर भाग रहे थे। हम भी अपनी रक्षा के लिए दौड़ के आश्रम में आ गए, परंतु गुरु जी हमने देखा कि आप खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, आपकी हंसी के पीछे कारण क्या था हम जानना चाहते, क्योंकि हमने सुना है संतों की हंसी के पीछे और उनके दुख के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। संत उनके जीवन की हर किसी ना किसी वस्तु के पीछे कारण होता है, तो हम जानना चाहते आप हंस क्यों रहे थे, हमें बताइए। तब कबीरदास जी ने कहा, जानना चाहते हो? शिष्य बोले, हाँ गुरु जी बताइए। तब कबीरदास जी ने कहा, सुनो, जब आंधी आई ना, जब तूफान आया तो सब मैंने देखा, आंधी सबको उड़ा करके दूर फेंक रही थी, जो भी वस्तु आ जाए उसी को उड़ा के दूर फेंक रही थी, लेकिन मैंने जब ये देखा तो मैं मुस्कुराया, और मैं इसीलिए मुस्कुराया, मैंने मन में सोचा कि संसार में, इस जगत में जब आंधी तूफान आता है तो महाराज आंधी तूफान हर वस्तु को उठा करके दूर उठा के फेंकती है। मैंने विचार किया उसी समय कि जब संसार की आंधी तूफान हर वस्तु को उठा के दूर फेंक सकती है, जिस दिन अगर इस हृदय में भक्ति की आंधी आ गई, भगवान के नाम की आंधी इस मन में चल पड़ी, तो उस दिन क्या अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हो जाएगा? बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से ये हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। किसके बल पर? भक्ति की आंधी के बल पर, भक्ति के तूफान के बल पर। इसलिए हृदय में अभी भक्ति की आंधी चलनी बाकी है। जिस दिन भक्ति की आंधी इस हृदय में चल गई ना, उस दिन अज्ञान नहीं रहेगा, उस दिन हृदय में अंधकार नहीं रहेगा, सब दूर हो जाएगा, और फिर इस हृदय में प्रकाश हो जाएगा। और जब हृदय में प्रकाश होगा तो हृदय में बैठे हुए श्याम सुंदर का दर्शन भी हम कर पाएंगे, उनको निहार पाएंगे। लेकिन ये भक्ति की आंधी चलेगी कब? बोले, जब जीव अपने जीवन में गुरुदेव की शरण ग्रहण करता है, और गुरुदेव की शरण ग्रहण करने के बाद जो गुरुदेव के द्वारा व्यक्ति को नाम मिलता है भगवान का, जो मंत्र मिलता है भगवान का, उस नाम को, उस मंत्र को जब व्यक्ति जपता है, तो महाराज ये जो हृदय है, हृदय के भीतर उस मंत्र के कारण, उस नाम के कारण प्रकाश प्रकट होता है। कब? जो गुरुदेव हमें नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, और फिर निहारी महाराज यह जो हृदय है, इस हृदय को पवित्र करना अगर चाहते हो तो उसके लिए भगवान का नाम तो जपना पड़ेगा, क्योंकि नाम जपोगे तो मन नाम के बल पर धीरे धीरे पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो भगवान भी आने में देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें शरीर की सुंदरता नहीं, शरीर नहीं, उन्हें मन की शुद्धता चाहिए। तो अब निहारी, आदरणीय सूत जी महाराज से शौनक जी कह रहे हमको कथा सुनाई। तब सूत जी महाराज ने कथा सुनानी आरंभ करी। अहेम बार दक्षताम ये न दाम परीक्षताम, अहेम कृपादताम यक्षलता। बोले महाराज,
सूत जी महाराज कह रहे कि हे ऋषियों सुनो, एक बार देवराज इंद्र शुक्र ताल में आए स्वर्ग का अमृत लेकर के, और सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, प्रार्थना करी और कहा, महाराज ये जो कथा अमृत है इसको तो आप हमें पिलाइए, और आप महाराज यह जो स्वर्ग का अमृत है ये परीक्षित को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने हंसते हुए कहा, हे इंद्र सुनो हमारी बात, यह जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है ये एक कांच के समान है, और हमारी भागवत तो मणि है मणि। हे इंद्र जरा देखो तो सही, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है, लेकिन स्वर्ग में कुछ दिन स्वर्ग का सुख भोग करके फिर व्यक्ति को इस संसार में ही आना पड़ता है, लेकिन जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान करता है तो व्यक्ति सीधे भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है, और एक बार वैकुंठ को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कभी धरती पर दोबारा आना ही नहीं पड़ता है। क्यों? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र ही खत्म हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से ही वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए हे इंद्र सुनो, ये जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है इसको लेके जाओ यहां से। इंद्र यहां से चले हैं, और जब इंद्र यहां से चले ब्रह्मा जी के पास आए हैं, ब्रह्मा जी महाराज ने बताया कथा कोई साधारण नहीं है, कथा स्वयं भगवान है। और जब ये कह दिया कि कथा स्वयं भगवान है, उसी समय महाराज इंद्र ने भागवत भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया, और हुआ क्या, बोले भागवत में से ही भगवान प्रकट हो गए, और भागवत में से ही जब भगवान प्रकट हो गए तो महाराज फिर जय जयकार लगने लगी, बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय। अब महाराज देखो इंद्र कह रहा है, प्रभु आप भागवत में भगवान कह रहे हैं इंद्र से कि हाँ, हे इंद्र सुनो, जहां जहां कथा होती है ना वहां वहां जाकर के मैं बैठ जाता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा मियाँ जी, कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? जहां जहां कथा होती है वहां जाकर के मैं बैठ जाता हूं, क्योंकि ये कथा ही मैं हूं, इस कथा में विराजमान ही मैं हूं। ऐसा नहीं कि कथा में मैं नहीं जाता, बिल्कुल जाता हूं, और ये कथा तो मेरे भक्तों की कथा है। जैसे भक्त मेरे चरित्रों को सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, रसिया होते, ऐसे मैं भी अपने भक्तों की कथा सुनने का बड़ा रसिक हूँ, प्रेमी हूँ, इसलिए मैं कथा में जरूर जाता हूँ। इंद्र ने कहा तो प्रभु आप मिलते क्यों नहीं फिर कथा में? भगवान ने कहा सुनो इंद्र, जब तक व्यक्ति अपनी दृष्टि को अच्छी नहीं बना लेता, मुझे देखने वाली नजर नहीं बना लेता, तब तक मैं उसे मिलता नहीं हूं, मैं तब तक उसे प्राप्त नहीं होता हूं। अच्छा, भगवान ने यहाँ पर यह जो कहा है कि मैं भी कथा में जाता हूँ क्योंकि स्वयं मैं विराजमान हूँ, तो इसका मतलब तो यह भी है कि भगवान की यहाँ ये कथा हो रही है तो भगवान भी यहाँ आए हैं, यहाँ कथा हो रही तो भगवान यहाँ भी आए होंगे, लेकिन क्या वो हमें दिख रहे हैं? बोले नहीं,